गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग बनाने वाले हैं राजमा चावल। एंड मैंने आपको कल के ब्लॉग में बताया था कि आज मैं राजमा बनाऊंगी, तो मैंने यहाँ पर राजमा बॉईल कर लिए हैं। एंड जो इस रेसिपी की स्पेशल बात है वो ये है कि वरुण बनाएंगे, मैं नहीं बनाऊंगी। और ये मेरे राइस बन रहे हैं, राइस तो मेरे ऑलमोस्ट 80% बन चुके हैं। मैं एक बार राजमा चेक कर लू। हाँ, अभी इसमें दो बिस्तर और लगा सकती हूँ वैसे, तो मैं इसमें वैसे लगाने देती हूँ। राइस मेरे ऑलमोस्ट 80% हो गया है काम, तो जो राजमा की रेसिपी वो बनाएंगे वरुण। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर करूं। और वैसे मैंने अपनी रेसिपी तो एक बार शेयर की है आप लोगों के साथ, बट वरुण बहुत टेस्टी राजमा बनाते हैं। वरुण ने एक बार जब मैं अलीगढ़ गई थी तब बनाया था, मैंने आप लोगों के साथ पिक शेयर किया था, तो मैंने अभी तक नहीं खाया वरुण के हाथ का राजमा। सो आज मैं फर्स्ट टाइम खाने वाली हूँ। बहुत आदमी सुनिए मैं अच्छा बनाता हूँ। तो लेट्स सी वरुण कैसा बनाएंगे। और आज हम बनाने वाले थे ढोकला या फिर उत्पम, बट वो बन ही नहीं पाया यार, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया। और आपको मेरे सारे रेसिपीज के ब्लॉग इतने अच्छे लग रहे हैं, आपको गुलाब जामुन इतने टेस्टी लगे मतलब देखने में, और आपको समोसे की रेसिपी बहुत अच्छी लगी, थैंक यू सो मच। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं डेली कुछ ना कुछ बनाया करूंगी, एक चीज जो मैं आपके साथ शेयर किया करूंगी। सो आज तो खाते हैं राजमा चावल। अब वरुण बनाएंगे राजमा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। चलो फिर वरुण आ जाओ यार, बना दो। और आज हम लोगों ने की है मैचिंग व्हाइट। और ये वाली जो टी शर्ट है मेरी, ये मैंने कहां से ली थी, मिटा दो माचिस है। मैंने कहां से ली थी ये टी शर्ट, मैंने ली थी विशाल से। हाँ, विशाल से। तो मैंने ये टी शर्ट ली थी विशाल से, वरुण ने पसंद की थी वाली टी शर्ट, क्योंकि इसमें ऐसा फेस बन रहा है, इसलिए मुझे बताना कैसी लग रही मेरी टी शर्ट। अब वरुण ने मेरी चीटिंग की है आज व्हाइट पहन के। आपने मैच कराया मेरे से? झूठ मत बोलो वरुण यार, आपने चीटिंग की है। चलो मेरे राइस बन गए, और राइस को मैं बनाती हूँ हमेशा, मैं एक्स्ट्रा पानी जो होता है ना उसका निकाल देती हूँ, तो मैं इसको एक बार ड्रेन आउट कर देती हूँ। बहुत टेस्टी राइस बने, एकदम खिला खिला राइस बना ना, वही अच्छा लगता है खाने में। बहुत अच्छा राइस बना एकदम खिला खिला में ना, बहुत गर्म है, आपको दिखाती हूँ। पहले इसमें थोड़ा सा मैं घी डाल देती हूँ ताकि चिपके ना बिल्कुल भी। तो आ गए मैं और वरुण, और वरुण अभी कर रहे हैं अपनी पेस्ट के लिए तैयारी। मतलब वरुण को ना प्याज काटनी है, टमाटर वमाटर का जो पूरा पेस्ट बनाना है राजमा के लिए, वरुण वो हाँ मतलब तैयार कर रहे हैं। और मैं बना रही हूँ रायता। तो रायते के लिए हम लोग आजकल यार ये वाला पैकेट वाला मतलब जो डिब्बे वाला दही आता है वही यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक साथ ही ले आते हैं ऐसे, तो जब भी रायता खाना होता है तो इसी का दही यूज़ कर लेते हैं। तो बस रायता ले लिया है, एंड उसमें मैं ऐड करूँगी काला नमक, हमारा ख़त्म हो चुका है बिल्कुल। तो काला नमक है नहीं, मैं वाइट वाला नमक ऐड कर रही हूँ इसमें आजकल, और जीरा पाउडर ऐड करूँगी थोड़ा सा। मैंने इसमें ऐड किया पानी, मतलब एक ही वाला कप पूरा भर के दही था, तो पूरा कप भर के थोड़ा सा और उसमें पानी ऐड किया है मैंने। हमको ना थोड़ा सा गीले वाला मतलब छाछ टाइप रायता ज़्यादा अच्छा लगता है, बट वो जो छाछ बाहर की होती है ना वो वाला टेस्ट फिर भी नहीं आ पाता है। तो बस ये सब बना के मैं चली गई हूँ, मतलब वरुण ने मुझे भगा दिया है। होता है ना कि जब इसकी मुझे भी लगता है कि जब मैं काम करूँ ना किचन में तो किचन में कोई और ना हो, तो वरुण को भी भैया कि ठीक है मैं काम कर रहा हूँ अब तुम जाओ यहाँ से, बाद में बनाना रायता। तो बस रायता मैं बना के रख गई हूँ, बूंदी डाल दी है उसमें और जीरा पाउडर डाल दिया है, वाइट वाला नमक डाल दिया है, वो सब डाल के तैयार करके मैं रख गई हूँ। और यहाँ पे वरुण कर रहे हैं प्याज को ग्राइंड, और ये वाला जो ग्राइंडर होते हैं ना यार, ट्रस्ट मी, मतलब ये मुझे लगता है कि किचन की सबसे ज़्यादा यूज़फुल जो चीज़ होती है ना वो ये होते हैं, और सबसे ज़्यादा हेल्पिंग हैंड जो होते हैं वो यही होते हैं, क्योंकि इसमें हम इतनी चीज़ बना लेते हैं, इतनी चीज़ ग्राइंड कर लेते हैं, हर चीज़ चॉपिंग वॉपिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। आपको पोहा बनाना है, उत्पम बनाना है, कुछ भी बनाना है, आपको मिनट में चॉपिंग हो जाती है, तो बहुत हेल्पफुल रहते हैं ये। तो ये सब हो गया, उसके बाद मैं आ जाती हूँ दोबारा से प्यूरी बनाने के लिए टमाटर की।
तो मैंने यहाँ पे लिए 4 मीडियम साइज़ के, मतलब मीडियम से थोड़े से छोटे साइज़ के टमाटर हैं। एंड मैंने उन्हें स्मेल कर रही थी, मुझे लगा था थोड़ा सा ख़राब तो नहीं है कहीं, तो मैं एक बार स्मेल करके देख रही थी, बट वो ठीक था। तो मैंने लिए 4 छोटे से ठीक साइज़ के टमाटर, एंड उसमें मैंने ऐड किया 2-3 हरी मिर्च मैंने ऐड की थी। आप चाहो तो इसमें लहसुन और अदरक भी ऐड कर सकते हो इसी टाइम पर पेस्ट बनाने के लिए, बट अब मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट था मेरे पास तो हम लोगों ने उसको यूज़ किया है, हम लोगों ने लहसुन और अदरक को फिर पीसा नहीं है। तो बस मेरा पेस्ट हो गया पिसके तैयार। देखो कितना प्यारा प्यूरी का कलर आया है। तो ये हो गया प्यूरी, और साथ में वरुण ने यहाँ पे इतनी सारी प्याज चॉप चॉप कर ली है, मतलब ये 3 प्याज थी टोटल, तो ये सब चॉप कर लिया। अब वरुण आ गए हैं बनाने के लिए राजमा। तो सबसे पहले तो लिया है घी, एंड घी आप देख रहे हो मतलब ठीक ठाक क्वांटिटी है, 2 स्पून ऐसा लिया है। अगर आप वैसे देखो मतलब अगर गरम बॉयल जो घी होता है ना, वो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बढ़ जाता है, तो 2 चमचे करीब घी है उसके गर्म होते ही ऐड कर दिया यहाँ पे जीरा, और थोड़ी सी ऐड की है हींग, मतलब हींग थोड़ी सी ज़्यादा ही ऐड की है, मतलब टेस्टी लगता है हींग से, फ्लेवर अच्छा आता है हींग डालने के बाद। उसके बाद डाला है यहाँ पे खड़े मसाले, तो खड़े मसाले में 2 तेज पत्ते डाले हैं, एंड 2 कश्मीरी लाल मिर्च डाल हैं। उसके बाद ऐड किया 1 पीस दालचीनी का, बहुत टेस्टी लगता है। फिर ऐड किया 2 इलायची एंड 2 पीस लौंग के। तो ये वाले कुछ खड़े मसाले डालने हैं, हल्का सा ना 1 सेकेंड मतलब 1 मिनट तक ना थोड़ा सा फ्राई करना है, और खड़े मसाले डालने के बाद जो फ्लेवर रहता है ना वो अलग ही लेवल का होता है यार सच में। तो आप देखो ना हल्के से फ्राई फ्राई से हो गए हैं। उसके बाद ऐड किया वरना जिंजर गार्लिक पेस्ट, एंड इसको भी अच्छे से पका लेना है। जिंजर गार्लिक पेस्ट अगर अच्छे से पक जाता है तो फ्लेवर बहुत ज़्यादा टेस्टी आता है, और ये मार्केट वाला जिंजर गार्लिक पेस्ट था, अभी जो गैस का फ्लेम है वो बिल्कुल लो है। आप चाहो तो घर का भी बना सकते हो, मार्केट से ज़्यादा अच्छा वैसे घर का ही होता है। जब ये पक जाए ब्राउनिश हो जाए उसके बाद ऐड करनी है आपको अपनी पूरी टोटल प्याज। एंड अब जो मेन काम आता है ना वो यही आता है, आपको कोई भी सब्ज़ी बनानी हो आप जितने ज़्यादा अच्छे से प्याज को फ्राई करोगे वो सब्ज़ी उतनी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। राजमा और छोले में तो स्पेशली ये चीज़ होती है, यहाँ पे ना आपको पूरे प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेना है, जितना आप फ्राई कर सकते हो उसे उतना ही फ्लेवर जो आएगा ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी आएगा। और अगर आप प्याज की प्यूरी बना लोगे ना तो आपकी जो राजमा वो गाढ़ापन नहीं होगा। अब आप देखो ना इतनी बारीक चॉपे तो ना गाढ़ापन हो जाएगा आपके राजमा में। एंड प्याज हो गई मेरी गोल्डन, तो वरुण ऐड कर दिया यहाँ पर टमाटो की प्यूरी, एंड अब अगेन फिर वही चीज़ आपको इसको पूरा पकाना है। एंड अभी जो आपको दिख रहा है ना थोड़ा गीली गीली सी, इसको पूरा ड्राई आउट कर लेना है प्योरी को, एंड हल्का सा इसमें ऑयल छोड़ जाए तो और अच्छी बात है। तो इसको बस पूरे प्योरी को अब चलाओ चलाओ चलाओ, एंड इसको बहुत अच्छे से चलाना है स्लो फ्लेम पर बिल्कुल। आप इसे चलाते रहो, आप इसे कुछ टाइम कवर करके रख सकते हो। अभी सूखे मसाले ऐड कर दिए, नमक ऐड किया है, उसी के साथ ऐड किया थोड़ी सी हल्दी पाउडर, और उसके बाद ऐड किया थोड़ा सा लाल मिर्च, उसके बाद ऐड किया थोड़ा सा धनिया पाउडर, एंड थोड़ा सा जीरा पाउडर जो होता है ना, जीरा भुने हुए जीरे का पाउडर वो ऐड किया है। तो ये सारे मसाले ऐड किए हैं, उसके बाद वरुण ने देगी मिर्च भी ऐड कर दिया। तो एक तो टमाटो की प्यूरी हो गई है, और फिर हो गया ये देगी मिर्च, तो कलर इतना प्यारा आया था ना कि मैं क्या बताऊँ। सूखे मसाले मिक्स करके अच्छे से चला दूँ ताकि जो प्यूरी के साथ ना मसाले भी मिक्स हो जाएंगे एंड भुन जाएंगे, और जो मेन फ्लेवर होता है ना यार वो मसाले भुनने का ही होता है, उसी से टेस्ट आता है, वरना कोई टेस्ट नहीं है किसी भी सब्ज़ी में। अगर मसाले अच्छे से भुने हैं ना तो एक जो खड़ापन आता है ना सब्ज़ी में वो बहुत ही टेस्टी आता है, एंड खड़े मसाले भी हैं तो बड़ा मज़ा आ जाता है, फ्लेवर बहुत टेस्टी हो जाता है। देख लो मसाले मेरे पूरा वो हो गया था एकदम सूख गए थे। उसके बाद ऐड कर दिया यहाँ पर राजमा, एंड उसमें जो पानी था वो ऐड कर दिया। अभी आप अच्छे से अपने राजमा को मिक्स कर लो, एंड इसे थोड़ा सा बॉयल होने देना है, अभी कवर करके इसे आप 5 मिनट तक बॉयल होने दो। अगर आपको इस स्टेज पर लग रहा है कि पानी कम है राजमा में तो आप और ऐड कर सकते हो। एंड आप देख लो मसाले जैसे मैंने मिक्स किए राजमा में, राजमा की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है, अभी हम इसे बॉयल करेंगे तो ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो आप देखो ये हो रहा है एकदम अच्छे से बॉयल, एंड अब देखो इसकी कंसिस्टेंसी, आप देखो ना कितना अच्छा हो गया। मैंने थोड़ा सा राजमा इसमें मतलब वो भी कर दिया है, थोड़ा सा पिचका भी दिया है, तो थोड़ी सी कंसिस्टेंसी और गाढ़ी हो गई है, इसका जो पानी पानी सा नहीं रहा है, और राजमा जो चावल के संग खाने में मज़ा आता है ना थोड़ा सा गाढ़े वाले ही मज़ा आता है, और बहुत टेस्टी बना था ट्रस्ट मी। तो ये देखो राजमा बन के तैयार हो गया, इसको थोड़ा सा कर देते हैं गार्निश धनिया पत्ती से, बहुत टेस्टी बना यार, मेरे तो अभी भी देख के खाने का मन कर रहा है, एंड राजमा मेरा वैसे भी फेवरेट है। उसके बाद मैं यहाँ पे सेकने आ गई रोटी, एंड रोटी मैं सेकने वाली हूँ आज 4, हम लोग 4 रोटी ही सेकने वाले हैं क्योंकि मेरे पास राइस भी बने रखे हैं। तो बस मैं जल्दी से रोटी सेक रही हूँ, वरुण देख रहे थे अभी टीवी, और जिस दिन आपको खाना बड़ा मिल जाए ना उस दिन आपको बड़ा रिलैक्स हो जाता है, रेस्ट हो जाता है। राइस वाइस मेरे सब बन गए थे, रायता बन गया है, तो बस फटाफट से सिक जाएंगी रोटियाँ एंड खाना हम लोग खाएंगे। आप लोगों ने डिनर में क्या क्या किया प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। एंड ये वाला जो वीडियो है ना मेरा, ये है
ये है मेरा 6 तारीख का वीडियो, बट ये एडिट नहीं हो पाया था तो आपके पास जा ही नहीं पाया था। और आजकल ना मेरे वीडियो वैसे भी लेट चल रहे हैं थोड़े से, 2 दिन बाद आपके पास जाता है मेरा हर दिन का वीडियो तो। बट लेकिन अब ये है कि रेगुलरली आना शुरू हो जाएंगे। अब जैसे कि आज मेरा कोई व्लॉग नहीं हो पाया शाम का, तो अब वो वीडियोज़ ना रेगुलरिटी में आ जाएंगी, कंटिन्यूटी में आ जाएंगी, क्योंकि अभी तक ना आपके पास व्लॉग थोड़ा सा लेट पहुँच रहे थे। और आज मैंने बनाया था उत्पम, जो बहुत टेस्टी बना था यार, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था। एंड जो मेरा बैटर था उत्पम का, वो ना मार्केट वाला था, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा है कि मैं ढोकला की रेसिपी शेयर करूँ, तो ढोकला मैं बहुत ही जल्दी शेयर करूँगी। एंड अभी तक क्यों नहीं शेयर कर पाई ये भी आपको बताऊँगी। मेरे पास ना ढोकले के लिए यार कुछ प्रॉपर बर्तन नहीं है, मतलब जिसमें मैं ढोकला एकदम प्रॉपर शेप का, बड़े साइज़ का बना सकूँ, ये प्रॉब्लम है मेनली। बट ये है कि मैंने अरेंज कर लिया है कुछ इधर उधर से, और मैं बहुत जल्दी शेयर करूँगी ढोकला। और आजकल हम ना बहुत टेस्टी टेस्टी वाली रेसिपी बनाया करेंगे, तो मैं आपके साथ शेयर किया करूँगी। और वरुण ना बर्गर बनाने के सोच रहे हैं कल, तो अगर आपने वरुण के हाथ का बर्गर नहीं देखा है अभी तक, तो मस्ट वॉच है यार। वैसे मैंने एक बार शेयर किया था पहले भी, एंड आपको बहुत पसंद भी आया था, बट इस बार अगर फिर बनाएंगे तो मैं डेफिनेटली शेयर करूंगी, क्योंकि इस बार विदाउट चीज़ बनाने वाले हैं। जो जो घर पे चीज़ अवेलेबल है ना, उसी का बनाना है, चीज़ वाली चीज़ नहीं है, बस सामान वाली चीज़ जो है उसी का बनाने वाले हैं। तो बस आप लोग डिनर करना, बताना कैसा लगा डिनर। और हम लोगों का डिनर यही है आज का, राजमा चावल रोटी रायता, राजमा चावल रोटी रायता, यह ऐसे हमारा डिनर हो गया है। आप लोग मुझे बताना कैसा है आपका डिनर, क्या किया आपने डिनर में। एंड ये मेरा पूरा रोटी बन गई है, 4 आपसे बातें करते करते, बस इन पर मैं घी लगा दूंगी, एंड उसके बाद पूरा गैस क्लीन कर दूंगी, खाना वाना खा लेंगे। चलो फिर मिलती हूँ मैं आपसे डायरेक्टली जब खाना खाने पहुँचूंगी, गैस क्लीन करके तभी, साथ में ही गैस क्लीन करनी चाहिए, वरना बहुत ज्यादा आलस तो आता है मुझे हमारा तो। बहुत टेस्टी वाला डिनर बन के हो गया है तैयार। एंड मैं आपको एक लुक दिखाती हूँ, बहुत टेस्टी लग रहा है। राजमा जो ऑलरेडी आपने देख लिए हैं, एंड ये बने हैं राइस, और आप देखो कितना अच्छा राइस बना है। ये रही चपाती, साथ में है ये वाली प्याज, और है रायता। सो ये है हमारा आज का डिनर, और आप लोग भी कर लीजिए, आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा, टेस्टी लगेगा। हाय, हम लोगों ने डिनर कर लिया है, एंड इतने टेस्टी राजमा बने थे, इतने टेस्टी यार कि मैं आपको बता नहीं सकती, मतलब मज़ा आ गया खा के। तो आप एक बार ना ट्राई ज़रूर करना, मैं खुद कहूँगी, क्योंकि मुझे अपने राजमा से ज़्यादा टेस्टी वरुण के हाथ के राजमा लगे। एंड ये अभी बेडरूम में देखो, मैंने ना यहाँ पे लाइट्स लगा दी हैं ये वाली, और ये ना वहां तक जा रही है। एंड सबसे अच्छी बात क्या लगी मुझे इन लाइट्स की, इसमें ना एक लाइट जल रही है, एक लाइट नहीं जल रही है पूरी लास्ट तक, तो ना थोड़ा सा डलनेस भी लग रही है, थोड़ा सा पीस भी लग रहा है, मतलब ज्यादा लाइट जलती है तो बिल्कुल ब्लाइट लाइट 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 लगता है। एंड अभी क्योंकि एक एक लाइट जल रही है तो बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं आपको एक बार करके दिखाती हूँ। ये देखो इस तरीके का लग रहा है ना, बहुत ही प्रिटी लग रहा है, थोड़ा सा ना डल भी लग रहा है, एंड थोड़ा थोड़ी सी लाइटिंग है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज ही लगाई मैंने ये, और ये लगाया मैंने आज, और मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने ना आज एक दो चीज और लगाई है, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या लगाया। मेरी स्लीपर पता नहीं कहाँ खो जाती है, मेरी स्लीपर है क्या वहाँ पे? हाँ, और देखो मैंने एक ये हैंगिंग यहाँ पे लगा दिया है इस वाले रूम में, और ये वाला हैंगिंग मैंने कहाँ से लिया था आपको पता तो होगा, ये तो ये सब कुछ मैंने अमेजोन से लिए थे। एंड इसी के साथ मैंने एक ये वाली लाइट यहाँ पर लगाई है, बल्ब वाली जो मैंने लाइट ली थी ना ये वाली, बट ये ना सेल से चलती है, तो इसके मुझे भी सेल लेकर आने हैं, तो अब लेट सी कब लेकर आएंगे इसके हम सेल, और इसको फिर मैं तभी लगाऊंगी, फोकस नहीं होता, तो इसके जब भी सेल आएंगे ना तभी लगाया जाएगा ऐसे। एंड राजमा बहुत टेस्टी थे यार, उन्होंने अपना कमाल कर दिया आज। थैंक यू, यू आर वेलकम। ऐसी कोई बात नहीं है, कल भी कुछ बना के खिला सकते हो, ऑलवेज वेलकम। हाँ अभी कल हम क्या बनाएंगे, लेट्स सी क्या बनाएंगे, अभी तो पता है जब मेरा पेट भरा हो ना मैं खाने की बात ही नहीं कर सकती पता नहीं क्यों, बट मैं कल कुछ अच्छा सा बनाने के लिए ट्राई करूंगी टेस्टी सा, देखते हैं क्या बनाऊंगी। और वरुण ना बर्गर का सामान लेकर आया, वरुण आज गए थे बाहर मार्केट सब्जी लेने, तो बगल में एक शॉप है ना वहां से बर्गर का सामान लेकर आया, मतलब बर्गर का सामान मतलब बर्गर के जो बेस होता है वो लेकर आया। एंड वही था कि हम लोगों को था कि अगर बर्गर मिल जाएगा तो बर्गर का बन लेकर आएंगे, नहीं तो फिर ब्रेड लेकर आएंगे, बट बर्गर बहुत टाइम से नहीं खाया तो मिल भी गया, तो अब बर्गर, और मैंने ऑलरेडी वरुण के हाथ का बर्गर शेयर किया हुआ है, बहुत टेस्टी बर्गर बनाते हैं वरुण की ना कुकिंग अच्छी है, जो भी बनाते हैं ना लिमिटेड बनाते हैं बट बहुत टेस्टी बनाते हैं, तो फिर से मैं बनाऊंगी जब भी, शेयर करूंगी आपके साथ। और यही सब है यार, आप मुझे ना थोड़ी सी सब्जियां रखी हैं वो मुझे धुलनी है पानी में, आज वरुण लेकर आए थे तो सब्जी धुलनी है पानी में, उसके बाद देखते हैं कोई मूवी देखेंगे, वरना कैरम, चलो कैरम खेलते हैं। वरुण आजकल हम ना कैरम बहुत खेल रहे हैं, बहुत बिजनेस खेल रहे हैं वही वाला,
कल हम लोग क्लास में रात में ना 3 चांस खेला था, कह रहा हूँ तीनों मैच जीती थी, आप तीनों हारे थे ना, इधर इधर तीनों हारे थे या नहीं ये बताओ। यस यस, आज जीतोगे हारोगे क्या लेट्स सी। लगता है? फिर भी हारूंगा, ट्राई करूंगा जीतने के लिए, मैं जीतूंगी, मेरी स्ट्रेटेजीज चल रही है दिमाग में। ओके, और हम लोग बिजनेस खेलते हैं यार, बड़ा सही गेम है। कैरम खेलना थोड़ा बोरिंग हो जाता है, पता नहीं क्यों, बिजनेस अच्छा लगता है, मजा आता है, इंटरेस्टिंग होता है। तो मुझे पहले तो क्या करना है, सब्जी वॉश करनी है सारी, फिर मुझे बर्तन क्लीन करने हैं, बहुत सारे बर्तन हो गए, बर्तन क्लीन करने का मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी। बट मुझे ना कोई पूछ रहा था इन वाले इयररिंग्स की डिजाइन, तो ये वाले जो इयररिंग्स हैं, ये आपको डिजाइन दिख रही है, रुको मैं आपको डिजाइन दिखाती हूँ इनकी। तो ये वाले जो इयररिंग्स है ना, ये मुझे मम्मी ने दिए थे बर्थडे पे, ये देखो इनके डिजाइन, ये इनकी डिजाइन है, छोटू से हैं, अच्छे लगते हैं मुझे ना, बहुत बड़े बड़े इयररिंग्स नहीं पहने जाते हैं, बट ये छोटू से हैं बहुत ही, और बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत पहनना इजी भी है, इस तरीके से पहने जाते हैं तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए तो मैंने ऐसे ही डाल लेती हूँ, मेरे फेस पे अच्छे भी लगते हैं ये। हाँ बट अब ये डलेगा नहीं, अभी बाद में डल पाएगा, चलो इसे बाद में डालूंगी। और मुझे अभी करना है कल वाला व्लॉग एडिट, 10:30 बज गए हैं, बट बहुत सारे काम है, व्लॉग एडिट करना है, किचन क्लीन, किचन तो क्लीन है, बर्तन साफ करने हैं, वेजीज साफ करनी है, फिर फ्रिज में रखनी है वो सब, उसके बाद फिर हम लोगों को खेलना है कैरम, तो यही सारे काम है जो हम करेंगे। और आप लोग बताओ क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, मस्त चल रहा है ना, क्या क्या आप लोग करते हो प्लीज मुझे जरूर बताओ, सबसे अच्छी चीज जो आप करते हो अपने टाइम पास के लिए, वो चीज ना मुझे कमेंट करना सब लोग, कि मतलब ये चीज, जैसे कि हम लोग ना सबसे ज्यादा क्या करते हैं टाइम पास के लिए, कैरम खेलते हैं, हमारा मेनली कैरम है, डांस है, और क्या करते हैं, कुकिंग करते हैं, कैरम खेलते हैं, डांस करते हैं, ये चीज ज्यादा हमारे टाइम पास के लिए है। आप लोग क्या करते हो प्लीज मुझे कॉमेंट करके जरूर से बताना। और आज मैंने सारी क्लीनिंग व्लीनिंग की है बहुत सारी, हम लोग कभी कभी क्लीनिंग स्किप कर रहे हैं, जैसे कि कल नहीं की थी, परसों की थी, देन आज की है, इस तरीके से ना कभी कभी स्किप कर देते हैं, वैसे कभी कभी रेगुलर भी कर लेते हैं, कभी कभी स्किप, जब लगता है कि घर थोड़ा सा क्लीन है तो स्किप कर देते हैं। सो चलो व्लॉग को मैं करती हूँ खत्म, मिलती हूँ आप लोगों से कल सुबह एक नए वाले व्लॉग के साथ। एंड ढोकला बनाने का सोचा था, बन ही नहीं पाया, देखते हैं कल अगर बना तो, पहले तो मैं वीडियो एडिट करूंगी, अपलोड करूंगी, उसके बाद फिर किचन क्लीन करूंगी, यही सारा मेरा रूटीन चल रहा है आजकल। चलो फिर, बाय, गुड नाइट।